अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की दुआ से मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। दोपहर का टाइम हो रहा है और बज रहे हैं 3 बजने आ गए रे, दोपहर का 3 बजने आ रहे हैं। और मैं यहाँ खाना गर्म करने आई थी तो मैंने खाना गर्म कर ली हूँ, तो खाने में क्या बनाई हूँ वो आप लोग को बाद में बता दूँगी। और इतना लेट क्यों हुआ वो भी मैं आप लोग को बता देती हूँ, क्योंकि हमारा खाना तो जैसे कि आप लोग को पता हम लोग रात को ही बनाते, तो खाना तो था लेकिन अभी बच्चे लोग नहीं थे खाने के लिए। सबा और सोहेल दोनों चले गए थे स्कूल, क्योंकि सोहेल की टीचर ने फ़ोन करके बुलाई थी सोहेल को मिलने के लिए, क्योंकि वो माशाल्लाह इतने नंबर लाए अच्छे, तो इसके लिए। तो मुझसे पूछी तो मैंने बोली वो बहुत अपसेट है, वो बोल रहा था मम्मी अच्छा नंबर नहीं आए। तो बोले आपा एक काम करो आप उसको भेजो। तो सबा ये दोनों गए थे टीचर से मिलने, तो टीचर से मिल के आ गए हैं अभी। और आते टाइम इन लोगों ने क्या लाया मैं आप लोग को बता देती हूँ। ये लोग आते टाइम लाए हैं ब्रेड पकौड़ा, ना ब्रेड पकौड़ा लेके आए। तो मैंने इन लोग को बोली क्यों लेके आए, तो बोले अम्मी मस्त गरम गरम था इसके लिए ले लिए। और आके में आप देख सकते थैली का हाल, कुछ दिख रहा है कि नहीं ना, थोड़ा बहुत दिख रहा पसीना पसीना जैसा एकदम गरम गरम, अभी भी गरम गरम है। तो जस्ट अभी आके लोगों 5 मिनट हुआ तो वही अभी ला के रखे। तो वैसे मैंने अभी झाड़ू मार ली थी, पोछा भी मार ली थी, और हमारी बिल्लियों को जो भी खिलाना था हमने चिकन वगैरह खिला दिए, वो लोग सब चले गए। सिर्फ बेबरो बैठा है जो सो रहा है, और मैं खाना गर्म करने आई थी तो वो मैं आप लोग को ऊपर चल के बता दूँगी क्या बनाई थी। और यहाँ पे सबा यानी कि गई थी स्कूल साथ में, तो दोनों जन जाके अपने टीचर से मिलकर आ गए, यानी कि सोहेल के टीचर से मिलकर आ गए। उन्होंने उसको अच्छा बोले, मुबारकबाद दिए, और मतलब अच्छा लगा उसको मिल के आया, जो खुश हो गया कि मेरी टीचर अच्छा बोले मेरे को। तो होता ना माँ बाप तो बोलते हैं अच्छे, अगर टीचर लोग का ऐसा बोले तो ज़्यादा खुशी होती बच्चे लोग को, तो लोग उसको अच्छा लगा। इन्हें मेरे टीचर खुश है, बोले मेरे मार्क्स से तो बस हो गया अम्मी। और यहाँ सबा खड़ी है, आप लोग को बता देती हूँ। हमारा बेबरो सो रहा है, अभी उसने खाया है, थोड़ा दूध पिया है। और मेरा घर भी माशाल्लाह सब साफ़ सुथरा है एकदम एक नंबर। और मैं अभी यहाँ बैठ के पानी पी रही थी क्योंकि ये लोग नहीं थे, तो मैं बैठ गई थी मगर ये लोग आ गए। और यहाँ पे हमारी सभा है, तो सभा खड़ी थी क्योंकि मैं खाना गर्म कर रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पंखे वगैरह बंद है, एग्जस्ट भी बंद है, तो सभा को गर्म हो रही थी, सभा खड़ी हो गई थी। अभी मैंने उसको आवाज़ दी तो थोड़ा अंदर देख रही है सभा। थोड़ा सा नज़ारा बता दे बाहर का। बाप रे बाप क्या धूप है, मैं आपको बाहर का दिखा नहीं सकती, तो बहुत धूप रहती है। हमारे घर के सामने इतना बड़ा होता है और माशाल्लाह धूप बहुत आती है ना सभा। तो बस यहाँ पे सभा खड़ी है, यहाँ बेबरो है और बाकी बच्चे ऊपर बैठे हुए हैं। चलिए मैं आप लोग को ऊपर मिलती हूँ खाना खाने के लिए, और यहाँ भी जो भी काम है मेरा हो चुका है, तो फिर मैं आप लोग को ऊपर मिलती हूँ। जब तक मैं ये खाना वाना निकाल लेके मतलब लेकर आती हूँ ऊपर, फिर मिलती हूँ आप लोग से। तो चलिए हम लोग ऊपर आ गए हैं, यहाँ पे सब बैठे हैं, सोहेल साहब सबा मैं सब बैठे। तो चलिए हम लोग खाना खाने जाए, तो मैं आप लोग को पहले बता देती हूँ कि मैंने कल क्या बनाई थी। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि लाइट कल चली गई थी, मगर अलहमदिल्ला आज नहीं गई है, लाइट गई थी। तो रात को आई थी तो सबका मूड बिगड़ा हुआ था, यानी आप समझ सकते पूरे दिन का, तो मैंने इन लोग का मूड बिगड़ा हुआ था, इसके लिए मैंने आप बोली उनके थोड़ा मनपसंद का यानी कि बनाओ ना सोया। हाँ तो थोड़ा मैंने इनका मूड बनाई, मैंने बनाई थी चिकन पुलाव, सिंपल सा बनाई थी, ज़्यादा तामझाम वाला नहीं बनाई थी, एकदम सिंपल, मगर माशाल्लाह कैसा बना था। अच्छा नहीं। क्या बोलता अभी सबक कुछ कहना चाह रही पसंदीदा। अच्छा सच्ची मैं तारीफ़ नहीं करूँगी झूठी, मेरे को वैसे भी नहीं जमता है तारीफ़ करने झूठी, और ख़ुद की तारीफ तो बिल्कुल ही नहीं जमती, तो एक बार मैं किसी और की कर सकती अपनी नहीं। तो बच्चे लोग को भी मेरे मतलब बड़े बच्चे लोग को भी शाहरुख शाहिद को भी पसंद आया था, वो लोग ने भी बोले अम्मी बहुत अच्छा बनाए। और आप लोग को एक बात बोल दूँ, कल हमारे वहाँ आई थी बारिश, यानी कि ज़्यादा नहीं आई थी ना, थोड़ा है ना अम्मी 10-15 मिनट के लिए आई थी ना। हाँ 10 मैं बता रही हूँ कितने बजे आई थी, कुछ 11:30 के ऊपर हो गया था, बच्चे लोग आ गए थे घर पे, शाहरुख आया था, वो थोड़ा भीग गया था, तो 11:30 बजे बारिश आई थी। तो हम लोग यहाँ पे आके बैठे थे खाना खाने के लिए, मस्त ठंडा मौसम था और बहुत ठंडी ठंडी हवा भी,
देखो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये देखो एक मिनट में आप लोग को बताती हूँ। ये देख सकते हैं आप कि बिना मतलब पंखे के मतलब हवा से ये बंद हो रहा, चालू हो रहा, पंखा ऑटोमेटिक ही चल रहा है। हाँ, हवा इतनी अच्छी आ रही है, अभी आपको मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं बता सकती, माशाल्लाह इतनी अच्छी हवा आ रही कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने बाहर कपड़े डाली थी, सारे कपड़े ऐसा हुआ कि उतर उतर के नीचे गिर रहे थे, तो मुझे निकालना पड़ा। माशाल्लाह बहुत अच्छी हवा आ रही थी। अरे सो लाइट क्यों बने आप, लाइट तो चालू कर, मैं क्या बोल रही, कल अंधेरा था आज क्यों अंधेरा लग रहा है, ये देखा अब दिख रही है सब कुछ। हाँ आप बात कर, मैं क्या बोल रहा था, हाँ हम लोग आ रहे थे ना, तो वहाँ पे जो लगाते ना जो भी बेचे जब स्टॉल वगैरह का, मस्जिद की टाकी कैसा उड़ के आई नीचे, कैसा देख वो टाइम की बात कर रही जब आप नीचे थे, कैसे धड़ धड़ हो रही थी, तो मैंने सैफ टाकी थी बाबा बहुत बड़ी, अरे बहुत, मैं तो डर गई, बोली क्या किसका क्या गिर गया, बल्कि सभा कैसी कितनी बड़ी थी, अरे मैं तो को बता रही सुन, जो बिल्डिंगों में नहीं बड़ी बड़ी काली काली टाकियाँ होती गोल गोल, बाप रे ऐसा थोड़ से गिरा, मैं बोले अल्लाह किसका घर टूट के गिरा। को पूछे साहब बोलता मम्मी मैं यहाँ बैठा था, ऐसा जोर से गिरा मेरे को लगा अपने छत गिर गया, क्या बोले सोए साहब सही बोली ना, अरे हाँ हवा बहुत चल रही, रात को देखा कितनी अच्छी हवा चल रही थी, ऐसे पत्ते उड़ के आ रहे वो साइड से, ऐसे जैसे मैं बोली सोहेल पूरा दुपट्टा पीछे जा रहा हूँ, थोड़ा तो पत्ते थोड़ा वीडियो ले लेने का था, मस्त नहीं अभी चालू करने का मौका ही नहीं मिल रहा क्योंकि सब इधर उधर इधर उधर हो रहे हैं। ये देखिए कितनी हवा चल रही है माशाल्लाह, अभी इसमें पूरी तरह से मैं दिखा नहीं पा रही, एक नंबर हवा चल रही, हमको तो ऐसा हो गया कि पंखे की भी जरूरत है, दोनों पंखे बंद है एग्जस्ट बंद है, मगर माशाल्लाह बहुत हवा है। हाँ चलो फिर कोई बात नहीं, अभी खाना खा लेते, बहुत बातें हो रही है, खाना ठंडा हो रहा है, साहब इंतजार कर रहे हैं ना साहब, क्या खाने का इंतजार हो रहा ना, तो चलिए फिर, तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोग को खाना पहले बता दी थी कि मैंने क्या बनाई थी, जैसे कि आप लोग को बोलिए, तो ये देखिए माशाल्लाह ये हमारा पुलाव, चिकन पुलाव, ये है चिकन पुलाव जो कि कल मैंने बनाई थी, और माशाल्लाह एकदम अभी एक नंबर गरम, मैं उल्टे हाथ से बता नहीं सकती हूँ, मगर अभी मैंने गरम करके लाई हूँ माशाल्लाह, और मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, थोड़ा ही बनाई थी, कि मैंने ये सोच के बनाई थी कि एक टाइम के लिए बना रही हूँ, लेकिन माशाल्लाह बरकत हो गई और इतना बच भी गया है, तो चलिए अभी वही हम लोग खा लेंगे, और थोड़ा खुला रखती हूँ गर्म है, और यहाँ पर ये लोग ने लाए हैं ब्रेड पकौड़ा, तो है ना सैंडविच, अभी थोड़ी थोड़ी गर्म है, ज़्यादा नहीं है, अभी ठंडा हो रहा है, मतलब थोड़ा गर्म है, तो मैंने इन लोग को बोली तीन क्यों लाए, चार लाने का था, तो इन लोग क्या बोला फिर सोल तूने, तीन ही बचा था, बोले अम्मी तीन ही बचा था, बाकी समोसे वगैरह थे और वड़े थे, तो मैंने बोले अच्छा वो नहीं लाया, यही ठीक है, तो ये जहाँ से लाए ना वो भैया बहुत अच्छा बनाते हैं और एकदम साफ सुथरा बनाते हैं, और हम लोग जब भी उस साइड जाएंगे ना सांताक्रूज के, तो हम लोग ज़रूर खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और उसके साथ आप देख सकते हैं मस्त पुदीना और मिर्ची और कोतमीर, यानी कि है ना हरा धनिया, उसकी ये चटनी है एक नंबर बनाते हैं, जैसे कि हम लोग घर में बनाते हैं, और ये लाल है, ये लाल वाली बहुत बेकार लग रही थी ना, कितनी पतली थी आपकी, नहीं मेन तो ये हलेगी बहुत टेस्टी होती है, हाँ वही बस खा रहे दो तीन दिन पहले, हरी चटनी हरी चटनी हरी चटनी, हाँ बहुत अच्छी लगती है, और ये जो ब्रेड पकौड़ा है कुछ इस तरह से रहता है, वैसे तो आप लोग को पता है, बताने की जरूरत नहीं है मुझे, तो कुछ मम्मी बनाई, हाँ बस ये देखिए एक नंबर, एक नंबर, ये देखिए मस्त वाला,
अरे मेरे को तो भूख लग रही है। बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए तीन है तो क्या हुआ, हम लोग सब मिल बांट के खा लेंगे। वैसे भी हम लोग को यानी कि तीन है, ये तीन है और अपन खाने वाले चार है, तो अपनी वैसे ही आदत है बांट बूट के खाते हैं। तो वैसे हम लोग मतलब तीन का चार हिस्से लगा के हम लोग बांट के खा लेंगे, है कि नहीं। तो चलिए ये हमारा ब्रेड पकौड़ा है और यह हमारा पुलाव है, तो अभी हम मैं निकालती हूँ, आप लोग भी आइए हमारे साथ खाना खाने। हाँ चल खाना खाने आइए। सबका खाना हो गया, हम लोग ने खाना वगैरह खा लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। और पेट भी इतना भर गया कि उठे नहीं जा रहा मेरे से, मतलब अच्छा खासा खाना हो गया। और अब बज रहे हैं बता 16, अभी टाइम हो रहा है 4:05 हो रहे हैं। और बस अभी हम लोग का यानी कि कोई काम नहीं है, तो थोड़ा हम लोग सो जाएंगे, फिर वही हम लोग उठेंगे शाम को, वही हमारी रूटीन रहेगी, चाय पीना, खाना खाना, तो बस यही सब हम लोग का चलता रहता है। तो चलिए फिर अभी यहाँ मैं अपने मतलब वीडियो का एंड करती हूँ, फिर आप लोग से मिलूँगी अगले वीडियो में। आप देख सकते हैं मैं भात भी नहीं कर पा रही क्योंकि मुझे नींद आ रही, जैसे कि आप लोग को पता है हम लोग 4 उठते हैं पानी के लिए, तो थोड़ा नींद आती है ये टाइम मेरे को। तो चलिए फिर मैं यहाँ पर अपना वीडियो का एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी मैं आप लोग से अगले वीडियो में। जब तक कि अल्लाह हाफिज़।